द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशियल। हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल डिलाइटफुल डिशेज। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। टूडे आई एम गोइंग टू शेयर आलू चिकन एंड शोरबे वाली सालन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलें हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो चिकन ली है हमने, 3 टमाटर लिए हैं, 5 हरी मिर्चें लिए हैं, आलू लिए हैं हमने 3, पिसी हुई मिर्चें 3 टीस्पून, गरम मसाला लिया है हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, साबुत भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, प्याज लिए हमने 3, दही लिए हमने 1 प्याली। अब हम चिकन में वो तमाम मसाले डालेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने के बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसे 1 घंटे के लिए रखेंगे। अब हमने ऑयल गरम कर लिया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम प्याज को निकाल देंगे। प्याज और टमाटर को ग्राइंड करेंगे। ऑयल गरम करेंगे, अब इसमें गरम मसाला डालेंगे। 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसमें वो चिकन डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। चिकन डालने के बाद हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन हमारे फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें प्याज और टमाटर डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखे थे। इसे भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। दो कप पानी डालेंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं। 15 से 20 मिनट तक ढक्कन ढक कर रख देंगे। आलू हमारे गल चुके हैं, अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अल्लाह हाफिज।